नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 9 बज चुके हैं, 9 बजने के साथ ही न्यूज कनेला लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले एक फिरोजाबाद से बड़ी दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज बस और डीसीएम से टकराई है, टक्कर के बाद पलटी रोडवेज बस, 6 यात्रियों की मौत हो गई है, 18 घायल बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। 6 यात्रियों की मौत, 18 घायल, सभी घायलों को आगरा रेफर किया गया है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, रोडवेज बस डीसीएम से टकरा गई, टक्कर के बाद पलटी रोडवेज बस, 6 यात्रियों की मौत हो गई है। एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, और जबकि 18 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है, और इस हादसे पर सीएम ने दुख भी जताया है। तो ये तस्वीरें सामने भी आ गई हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रेफर किया गया इन सभी घायलों को, इस सरकारी बस में सवार थे। बताया जा रहा कि डीसीएम से ये बस टकराई और टकराने के बाद बस पलट गई और 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। सड़क हादसे में 6 की मौत, 18 घायल। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा, इसमें हादसे में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। बड़ी खबर, तस्वीरें फिरोजाबाद से। हालांकि घायलों को आगरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। फिरोजाबाद से खबर, रोडवेज बस डीसीएम से टकरा गई, टक्कर के बाद पलटी है रोडवेज बस, 6 यात्रियों की मौत, 18 घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ, सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। ये तस्वीरें, बताया जा रहा कि देर रात यह हादसा हुआ है। परमेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। परमेंद्र, यह हादसा कब हुआ और हालत कैसी अभी घायलों की? कुमार रणविजय जी हमारे साथ हैं, एसपी ग्रामीण फिरोजाबाद से हमें हमारे साथ जुड़े। एसपी साहब, ये हादसा कब हुआ और जो घायल लोग हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, ये लगभग 4:25-4:30 आवर्स की बात है जी, 4:30 बजे के आसपास, 5-10 मिनट पहले आगे पीछे की बात है जी। और जितने वहां पे इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया आसपास के हॉस्पिटल्स में, और सभी लोग उसमें से जितने लोग गए हॉस्पिटल्स में उसमें आउट ऑफ डेंजर है। अब कुछ अंदरूनी चोटें हो सकती हैं, उनकी जांच हो रही है जी। और बाकी जो लोग वहां पे 19 लोगों को वहां मौके से ही रेस्क्यू करा लिया गया था जी, और उसमें 5 वयस्क लोग थे और एक बच्चा था जो जो जिसकी डेथ हो गई थी, 6 लोगों की डेथ हुई थी वहां पर जी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इमीडिएटली सारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया और वहां पे जितने लोग थे उनको जो 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है उनके बारे में कुछ शिनाख्त हो पाई है कि सभी मृतक कहाँ के रहने वाले? देखिए, इसमें अभी हम लोग प्रयासरत हैं, अभी सब लोग का पता नहीं चला है। ये ज्यादातर लोग इसमें जो पैसेंजर थे उसमें उधर रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर उस एरिया के रहने वाले थे, और ये लोग वहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, सबको जानकारी दी है कि बस लुधियाना से आ रही थी जी। तो संभवतः वहाँ पे जो अपना काम धाम करने रोजगार के सिलसिले में लोग गए होंगे वही लोग थे जी, जी। और ये उसी एरिया के रहने वाले थे, उसमें से एक दो लोगों से मैंने बात की तो वो सब संभवतः लखनऊ के रहने वाले थे जी, जी। इस प्रकार उसी एरिया के ज्यादातर लोग थे,
और ये बस बताया गया कि वही लुधियाना से एक साथ चलती है, उधर के कश्मीर से लेके जाती जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी। आपको बता दें एसपी फिरोजाबाद ग्रामीण के, वो हमें बता रहे थे कि 6 लोगों की मौत हुई है। परमेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। परमेंद्र, अभी एसपी से हमारी बात हुई है, वो अभी ये जानकारी नहीं दे पाए कि ये जो मृतक थे कहाँ के रहने वाले। अभी आपके पास कुछ जानकारी इस हादसे के बारे में, और रात को कितने बजे ये हादसा हुआ? जी मैं बता दूं कि जटका जी बहुत बड़ा हादसा है, दर्दनाक हादसा है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि ये लोग सभी लोग लुधियाना से रायबरेली जा रहे थे, तभी तड़के जो हम लोगों को अभी सूत्रों से जो मालूम बात पड़ी है, वो जो ड्राइवर था उसकी झपकी नींद आने की वजह से, क्योंकि तड़के सुबह 4:30 बजे के बीच की ये बात है, जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लुधियाना से रायबरेली जा रही ये बस एक डीसीएम से आगे चल रही थी, उससे टकराई थी, और अचानक टकराने के बाद उसको बचाने के लिए ये पलटी है, और इसमें लगभग क्या होते हैं अभी भी 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, और इन घायलों में से 4 की हालत अभी भी नाजुक है, जिन्हें आगरा रेफर किया गया है। लेकिन जो लोग हैं वो अभी ये बताने में वो नहीं हो रहे, लेकिन हैं सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, ज्यादातर लोग जो काम पर जाते हैं उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में, वही लोग अभी थोड़ी सी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद जो अभी जब ये परिजन आएंगे और जो पता होगा, तब ये मालूम पड़ेगा कि आखिर लोग रायबरेली प्रॉपर के ही हैं या आसपास के जो गांव हैं उनसे ये लोग लुधियाना काम करने गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमेंद कुमार, हमारे संवाददाता बता रहे थे लुधियाना से ये लखनऊ के लिए ये बस जा रही थी, और फिरोजाबाद के बाद ये हादसे का शिकार हो गई। सुबह 4:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, और संभावना ये जताई जा रही है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से वो डीसीएम से टकराई, और जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हैं, और मृतकों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।